तो गाइस ये मैं लाया हूँ अपने नितारा के लिए। गाइस ये है पहाड़ी फौजी। 3, 2, 1, 4, 5, 2, 2। और ये एनिवर्सरी का गिफ्ट था। तो क्यों बच रहा है भाई? सबसे अच्छा गिफ्ट पता मुझे कौन सा लगा? मुझे गुची इसीलिए बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब है। कुछ बोल रही थी ना कैमरा में। ओए लखनीत। हेलो गाइस, वेलकम टू लखनीत व्लॉग। सबसे पहले वेलकम के साथ साथ हमें थोड़ा लेट ना हो जाए, क्योंकि ऐसे ही होता है, हम बाहर निकल जाते फिर याद नहीं रहता। तो ये हमें दीदी ने दिया था, ये प्लेट बहुत ही सुंदर सी, और इसमें दी थी मिठाई। पहली मिठाई एक थी हमारे लिए। ओ माय गॉड, हाउ मच आई लव ये बार मिठाई। और दूसरी मिठाई थी विला के लिए। तो ये अभी विला भी जाएगी। एंड पाई को मीठा बहुत पसंद है, एज यू ऑल नो। सो यस, तो ये दो मिठाई के डब्बे दिए थे हमारी श्वेता प्यारी दीदी ने, और ये उनकी जो नेबर हैं उन्होंने दिया था। मैं तो खा नहीं सकती हूँ, लेकिन ओ हो 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 यार, ये ज़्यादा अच्छी लगती है उससे, क्योंकि उससे ओवर मिठास आ जाती है। लेकिन क्यों दिया आपने यार, थोड़ा ही देते, अब ऐसा लालच हो जाएगा यार। खैर, ये प्लेट बहुत सुंदर है, मैं इसको वॉश करवाती हूँ, लेकिन इस प्लेट का यूज़ मैं दीदी से ज़रूर पूछूंगी। इतनी सुंदर सुंदर प्लेट थी। आज मैं काफ़ी समय के बाद बना रही हूँ सांभर, क्योंकि भाई मेरा सांभर खाने का मन था, लेकिन ऐसा होता है ना, कभी कभी मन होता है तो आपको अपने टेस्ट का खाने का मन होता है, जैसे आप बनाते हो, बस वही मन था। और ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, जिसमें हमने थोड़े थोड़े शॉर्ट्स क्लिप डाली हैं, आपको पता चलेगा कि क्या क्या ऐड किया है। बहुत से बल्ब उसका कलर देखो, जितनी इसमें सब्जियाँ डाल दो उतना वैसे तो कम ही होता है, बट स्टिल वो हो गई। ड्रम स्टिक्स हो गई, वो इसमें ऐड कर दो। ड्रम स्टिक्स को चूसने में, उसको चबाने में कितना मज़ा आता है। तो ये है मेरी कुकिंग क्लास। आज मुझे दिल्ली भी जाना है, हमने होम जो अपना नया घर बन रहा है उसकी काफ़ी सारी चीज़ें खरीदनी है। और पता है, लास्ट टाइम जब ये वाला घर बन रहा था तो हुआ क्या दिक्कत थी कि मैं बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो कर रही थी, कि एक महीने में दो बारी चली गई सामान लेने, लेकिन इस बारी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। लापरवाही का नतीजा मुझे ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि आधा काम होता है आधा नहीं होता। तो लगन, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। हाँ बता। मैं कह रही हूँ, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ, मेरे 4-5 दिन के चक्कर पड़ेंगे, तो तुम अपना ध्यान रखना। मैं बुलंदशहर जा रहा हूँ, ठीक है? तुम कहीं पर भी जाओ, तुम घर का काम थोड़ी करने जा रहे हो। गाइस अटेंडेंस लगा दो, कौन कौन आ गया है, और देखो आपको एक प्यारा सा चेहरा दिखाता हूँ। अभी मैं तुम्हारा चेहरा ठीक करती हूँ। गुजी चलो गाड़ी में। हाँ? चलो गाड़ी में। यार तुम उसको कल भी नहीं लेकर गए थे, ले जाओ। गुची गाड़ी में जाओ, पापा के साथ जाओ। गुची बेचारे को इतना पसंद है गाड़ी में घूमना, इतना पसंद है, लेकिन कोई लेकर नहीं जाता मेरे अलावा। आप भी कमेंट्स में लखन को बोला कि गाड़ी में लेकर जाया करो। ब्राउनी, हाय ब्राउनी, हेलो बोलो सबको। अरे तू जा रही? अच्छा, ये बोलने लगा है, पता है आपको, ये कुछ कुछ बोलता है। और हमारे भगवान जी। सो गाइज, आज हम सभी जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली में है बहुत जरूरी काम, और बहुत ज्यादा लेट हो गए। और सबसे अच्छी बात, मैं और रोहित, मतलब मैं ड्राइव करते हुए जा रही हूँ। देखो भैया ने अभी तक ये नहीं हटाया, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं, सही में कॉन्फिडेंस है मुझे। मैं सही चलाऊंगी? हाँ, मेरा कल से मन है चलाने का, लखन ने चलाने नहीं दी मुझे। मैंने तो वहाँ, मतलब वहाँ मैं थार को मिस कर रहा हूँ ना। अच्छा, तो मतलब यहाँ नहीं कर सकता, मतलब मिस कर रहा था। तो ये तो तुम्हारी तो है। हाँ, मतलब मैं मिस कर रहा था ना, अभी नहीं कर रहा। अच्छा चलो, अच्छा तो दोस्तों, आपने देखा, नीतू आज गई है दिल्ली घर का काम निपटाने, मैं आज घर पर हूँ, मैं भी घर का काम निपटाने हूँ, मतलब घर के काम निपटाने के लिए अलग जगह पे है। फिलहाल मेरे बहुत सारी मीटिंग्स पेंडिंग थी, मैं आज वो अपनी खत्म करूंगा, मुझे बहुत सारा प्लान बनाना है के लिए, वो मैं करूंगा। तो नीतू ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी, आज मैं घर का किंग हूँ। और ये जो किंग के सिपाही हैं, दो छोटे छोटे, एक तो टैदू और एक ये भाई साहब जी, ये दोनों देखो कितने मगन होकर सो रहे हैं। सो गाइज, ये हमारा लंच है, दाल चावल पक्की कुट्टा, ऐसे पहले करते थे हम। ये है मठा और ये है हमारे राइस के साथ सैलड। ये चटनी हमारे घर बहुत अच्छी बनती है, तंदूरी कम टमाटर। गाइज, हम लोग आए लखन के लिए शॉपिंग कर, और ये एनिवर्सरी का गिफ्ट था। एक्चुअली क्या हुआ ना, जब मुझे लेना था, पिक करना था, ऐसे मैं ले नहीं पाई थी, तो उन्होंने वो कर दिया, स्टिच कर दिया था, तो अभी हम वो लेने के लिए आए हैं, मैं और रोहित। और मैं रोहित को बोल रही हूँ, रोहित अभी उसको वैष्णवी को कॉल करते हैं कि तुम अपनी दूसरी शादी के लिए कपड़े ले रहे हो, फिर वो क्या करेगी? वो यहाँ पहुँच जाएगी दूसरे मिनट। पत्नी का खौफ है इसको, देख रहे हो? तो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। हम कहाँ जा रहे हैं रोहित? हम जा रहे हैं दूर। अब बताएंगे हम कहीं और जा रहे हैं। अब गाइस, आई एम सो हैप्पी, मैंने आज बहुत सारा काम निपटाया, और बाहर बारिश का मौसम हो रहा है,
थोड़ी ठंडक सी दोबारा से बढ़ गई यहाँ पे। अबे लोग देख रहे हैं, सोता रहता पूरे टाइम, सब कह रहे हैं गुची उठता क्यों नहीं है, हैं आलसी हो गया है। आई लव यू, कोई बात नहीं, पापा तेरे को फिर भी प्यार करेंगे, ओके, ये भी प्यार करेगा। तो हम लोग गुची को घुमाने चल रहे हैं। नहीं नहीं, गाड़ी मत निकालो, इसको घुमा के ला रहा हूँ मैं ऐसे, देखते हैं मेरे बिना जाता है या नहीं। लेके जियो। ओ यार कुत्ते की आवाज़ आ गई, अब तो वैसे ही रुक जाएगा ये। लेके जा, नहीं जा रहा, हवा कितनी अच्छी चल रही है देख, जा लेके जा, लेके जा, नहीं जा रहा, रुक जा रुक जा, चलो चलो आ जा आ जा, अब आ गया। थोड़ा बहुत तो प्यार करता है मेरे से, जैसे टैडी है ना, सिर्फ नीतू का भक्त है वो, तो उसको तो मेरे से कोई मतलब ही नहीं। दूची इस मामले में बहुत अच्छा है, दूची मेरे को इक्वल इम्पोर्टेंस देता है, बस भागता ज़्यादा है। अब मुझे गुची इसीलिए बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है, वो भी करीब है, पर दूची मेरी बात सुनता है तो मुझे दूची ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए। गाइस एक बार स्काई देखो मेरे पीछे, कितना अच्छा सा आ रहा है ना सब कुछ, वाओ। और ठंड भी हो रही है, मुझे लग रहा है बारिश पड़ेगी, इसीलिए थोड़ा डार्क डार्क सा हो रहा है यहाँ पे बाहर आके। गाइज इसको देख के तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। हम पता अपने पार्क में ऐसे ही ईंटों का विकेट बना के और खेला करते थे सब लोग, मतलब सारे कॉलोनी के बच्चे। और मेरे क्रिकेट की शुरुआत खेलने की ऐसे ही हुई थी, उससे खेलते थे हम, टेनिस की बॉल होती थी, A1 की बॉल आती थी उस टाइम पर, और अपने वही जो एक बैट होता था पूरी टीम के पास, उससे खेलना स्टार्ट किया। लेकिन क्रिकेट का इतना प्यार आ गया मेरे अंदर कि फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ गया। वो हमारा घर है उधर, ये वाला पार्क आपने अभी देखा, आज तक आपने वीडियो में नहीं देखा है ना। और इसके बाहर देखो ये लेक व्यू, और ये पूरा गोल्फ है, गोल्फ खेलने आते हैं यहाँ पे लोग काफ़ी सारे। दूची को भी देखना है कि पापा ने क्या दिखा दिया भाई लोगों को जो मुझे नहीं पता। देख लिया दूची? हाँ आप देखेगा, यहाँ से देखेगा, कहाँ से देखेगा बेटू, यहीं से देख ले। हाँ ये देखो दूची को, भाई मुझे लग रहा है हिंदी समझ में आने लगी अब। भाई पूरा टेंशन चाहिए से, किसी और को कुछ ना बता दूँ, दूची को सब पता होना चाहिए मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। देख लिया? और एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मैंने एक नया टैग चैनल बनाया है अपना, क्योंकि आपको पता है माई लव फॉर कैमराज, माइक्स, ये सारी चीज़ें। तो जितने भी लोग व्लॉगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको सोशल मीडिया पे कुछ करना है, यूट्यूब पे कुछ करना है, उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और मैं कह रहा हूँ मैं उस पर एकदम अपने एक्चुअल रिव्यूज़ दूंगा कि क्या चीज़ करने से फ़ायदा मिला, क्या चीज़ करने से नहीं मिला, कौन से कैमराज यूज़ कर सकते हो और किस किस पर्पज़ के लिए क्या क्या कैमरा हो सकता है, वो सारी चीज़ें एकदम ट्रू में वहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो उसका नाम मैंने भी सोचा है रॉ एट टैक। अगर आप रॉ एट को एक मिलाओगे तो रावत भी बन जाता है, RAWAT, है ना। आपके पास कोई अच्छा नाम है तो सजेस्ट करना, बाकी इस नाम से मैंने अपना टैक चैनल बना लिया है, और जहाँ पे वीडियोज़ मैं डालूंगा तो यहाँ पे लिंक भी डाल दूंगा। बाकी ओपन फॉर सजेशंस, आप लोगों के पास कोई बहुत अच्छा नाम है या कुछ भी चीज़ आप सजेस्ट करना चाहते हो प्लीज़ मेरे को करना, या मैं क्या क्या चीज़ वहाँ पे करूँ वो भी मुझे बताना। यू नो गाइज, पिछले रीसेंट मतलब कुछ टाइम में इतने सारे चेंजेस आए मेरे अंदर, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं वो लाइफ जी पा रहा हूँ जो हमेशा से जीना चाहता था। कि अब मेरे ना गोल्स टारगेट्स अलग हो चुके हैं, कि अब मैं फैमिली टाइम बहुत स्पेंड करना चाहता हूँ, खुद के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, अपने रुचि के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और मौसम कितना प्यारा हो रहा है, मन कर रहा है पार्क में बैठा रहूँ। देखो सामने व्यू मुझे कितना अच्छा दिख रहा है अभी, बादल देखो, बारिश होने वाली है किसी भी टाइम, बारिश पड़ जाएगी फिर मैं भागूंगा घर की तरफ, बहुत सुकून मिल रहा है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि नीतू घर पे नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ सुकून मिल रहा है, वैसे आप ऐसा सोच सकते हो। गाइस हमारी दीदी वापस आ गई है अपने ऑफिस से, कैसी बहन तू? एकदम बढ़िया। तूने वो रील देखी जब ऐसे करते हैं, उनका पेट ऐसे आकर रख देता है? आइयो। मैं पेट नहीं हूं। अरे करना करना यार। हमने सारी शॉपिंग अपनी खत्म कर ली है ना रोहित? रोहित को पता चल रहा है क्या क्या शॉपिंग होती है। बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है रोहित, कितना ट्रैफिक है बता दो। जितना आपने बताया। सीधा घर पर आने के बाद मैंने जो सुबह सांभर चावल बनाए थे वो खा रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं। अपनी तारीफ में खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा। पता नहीं लखन और सोनी ने खाया नहीं खाया। और हमारा तुषार डायरी लेके घूम रहा है, मेरे जब मैं सुबह खाना खा रही तब आता है, जब भी मैं खाना खाऊंगी तब मेरे आस पास। हाँ क्या हुआ? साउंड कौन साउंड? परेशान हो गया कल की वीडियो से, तो खाना हम दो फिर बात करती हूँ। गाइस नितारा वापस आ गई है, ये तो पहले ही वापस आ गई थी, तो अपना आने का टाइम थोड़ा लेट रखा ही समझ। काम से काम रहा नितारा, तेरे लिए कुछ है मेरे पास। तो गाइस जो इसके लिए मैंने गिफ्ट लिया था अभी तक नहीं दिया, तो आज मैं इसको गिफ्ट दूंगा, ठीक है मेरी रानी? तैयार हो जा तू। आ दीदी आ लेके आते हैं, मैं और दीदी गए थे गिफ्ट लेने। मैं इसको रेडी करूंगी ना, चलो। अरे तुम तो मुझे गिफ्ट दे रहे हो, मम्मी ने तुम्हें और मुझे जो दिया मुझे पता है। उन्होंने फोन करके बोला कि तुझे गिफ्ट कैसा लगा, मैंने कहा अभी तक आपकी जो बेटी है ना उसने गिफ्ट मेरे हाथ में पकड़ाया नहीं। भाई अभी गोल्ड की चीजें वो तो अंदर ही रखनी पड़ेगी ना, बाहर थोड़ी रख सकते हैं। अच्छा रुक एक मिनट, दीदी इस कॉल निकाल के लाते हैं पहले हम। क्या कर रहे हो? हाँ ना ये क्या बैठ के कर रही, चल जल्दी पागल, कोई मेकअप लाए होगा। अरे दीदी जल्दी आ यार, लगा ना।
ए पागल, रुक यार, रुक, चल 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 चल, सोच उसी के होठों का लगा, तूने अपने होठों पे लगा लिया। अरे चल, वो ब्रश नहीं करती है। हमारी टीम इतनी डेडिकेशन से बाहर बैठी, उन्हें पता ही नहीं कि अंदर गिफ्ट बटने वाला है। अबे आ जाओ भाई, वो गिफ्ट देने वाला हूँ मैं उसको, एनिवर्सरी वाला। आ जाओ आ जाओ। आई हेट इट जब मेरे नाखून बड़े हुए होते हैं। हाँ अच्छा, तो ये रखा हुआ हमने गिफ्ट नीतू का। आ गई हमारी टीम। अच्छा मेरा है। पहनेगा इसको, लेडीज वाला है, बता पहन तो सभी। हाँ ले लेगा, ले लेगा, वरना 80% में तो चला ही जाएगा। अब तो है ना भी पहनने वाले। हाँ ये बात भी है रोहित, अब तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा अपने को। आओ नीतू पास चलते हैं। कंजी आ यार, ये कहाँ चली जाती बार बार। दूचू कंजी आ जा यार, इसके अलग टेंशन रहती डेली की। इतना टेंशन वाला बिजनेस मैन मैंने कोई नहीं देखा अभी तक। तू क्यों बच रहा है भाई, तू क्यों खुश है? गिफ्ट तो मेरे मेरे लिए नहीं, तो मैं तब बताऊंगा। तो भाई अपना गिफ्ट बाद में दूंगा, पहले जो हमारे लिए गिफ्ट्स आए हैं वो अनबॉक्स करते हैं। ये दिया है हमें सोमी जी ने, जो हमारे इंटीरियर डिजाइनर है, तो इसको सबसे पहले हम खोल के देखते हैं। यहाँ पर देख रही सिफोरा का बैग है। ये उधर मत देख अभी तू यार, अभी अभी सस्पेंस खराब मत करना, ठीक है? इसको खोलते हैं। जो मैं खोलती हूँ, मेरी एनिवर्सरी थी तुम्हारी नहीं। ये हमारे शूट के लिए काम आएंगे। तो थैंक यू सोमी जी, बहुत ही अच्छी आपने हमें पेंटिंग दी है, बड़ा अच्छा दिया। और क्योंकि हमारे इंटीरियर डिजाइनर है, उनको पता है कि हमारे घर पे क्या अच्छा लगेगा, तो बड़ा अच्छा सा दिया। चलो भाई रख लो। ईमेल आया तेरे लिए, आई बड़ी जिद कर रही है इसे अपना बता दिया ये भाई। तो गाइस ये मैं लाया हूँ अपने नितारा के लिए, ये खोल दे। श्वेता दीदी ने दिया था नजर रक्षा के लिए। भाई इसको लगा दो गेट पर। इसके अंदर क्या है? ये तो शूज लग रहे हैं। लक्सो ये शूज है क्या? हाँ खोल के देखना। अब इसको ओपन करना पड़ेगा, लग रहा इसको ओपन करो। अरे यार ऐसे बताओ ना, मेरे को तो लग रहा है कि मैंने देखा हुआ है, मैं लग रहा है साथ गई। यही है, यही है। चलो कंजी तू तो बहुत ही पागल है। ओके ओके ठीक है ठीक है, बता रहे हो, पूछ रहे हो, अब देख देखने तो दो। मुझे पता है क्या है, ये भैया ने ना 100 रुपए का डिब्बा खरीदा था चांदनी चौक से, परफ्यूम रखवाया इसमें और वहीं से परफ्यूम भी होती है, ज़ारा से परफ्यूम है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। चलो मैं ओपन करती हूँ अब इसके। इतना महंगा है ना, ओए पेपर देने से थैंक्स। बैग, अब किस कलर का बैग? ओ वाओ, तेरा फेवरेट कलर है ना बैग? ना मेरा फेवरेट कलर है। किसकी पसंद है सही बताना, पसंद किसकी सी के लिए इसको लेकर गया था। तुमने व्लॉग में क्यों दिखा दिया, मेरे को अपने ट्रिप पर लेकर जाना है यार। आप तो ऐसे भी कैंसिल कर देना सब, ठीक है? आप तो ऐसे भी लेके जा सकती हो, यानी तो वहां कुछ ऐसा करना अच्छा सा, चल के दिखाएंगे, रैंप वॉक करके दिखाओ। सो गाइस अब हमने डिसाइड करा है कि ऐसा है ये बैग लेके आज तुझे ऐसे वॉक करके दिखाने, जो रैंप पे वॉक करें। चलो गाइस आ जाओ, हम लोग वो बनते हैं, सब एक एक बनी करेंगे लेकिन। अरे चल ना यार, आ जल्दी कंजिया, स्टार्ट 3 2 1 स्टार्ट। ओ वाह नीतू, एक पिक्चर का टाइम, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। आ जाओ गाइस, आ जाओ आ जाओ। अच्छा लगा बैग? ये अनएक्सपेक्टेड आपको था। आपको वॉक कैसी लगी वो बताना, आउट ऑफ 10 आप कितने नंबर दोगे? टोटली अनएक्सपेक्टेड था ये बैग, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। अब नेक्स्ट गिफ्ट दे दो भाई। दीदी वॉक करने के लिए, भाई नहीं बहन। दीदी दे, तेरा क्या गिफ्ट है? देख वो भी मेरा ही था, ये भी मेरा ही है, ये भी मेरा ही है, ये मम्मी और उसकी तरफ से एक ही यूनिट है, ये सब पकड़ो ना। ए तुम लोगों ने क्या नीतू के लिए दिए? कितनी सुंदर साड़ी है, पता है कौन से मॉल से लेके आई हूँ मैं, ये चांदनी चौक भाई, बहुत ही सुंदर साड़ी है। थैंक यू यार, मेरे को थैंक यू शिट यार, आपको मच्छर लगा इसका, ऐसे दिखाओ तो इमोशनल हो गया सच में यार, बहुत सुंदर साड़ी है, रेड कलर तो वैसे मुझे अच्छा लगता है। तो अब अगला गिफ्ट, हां हां आओ आओ, कुछ सोने का सामान। ये लखन का है और ये नीतू का, ये तेरी तरफ से है, मम्मी की तरफ से। और सुन अगर तेरे को पसंद आए तो मुझे वापस कर सकते, मैं रख लूंगी तुझे, तो मैं वैसे ही वापस कर दूंगा, जा तू जा सही वापस। पहले मैं ओपन करती हूं। ओ वाओ
ये ऐसी कितनी है तेरे पे यार? ओ यार ये अलग अलग डिजाइन की होती है यार। क्या एक ही डिजाइन है? नहीं बीच वाला ऐसे रेड से पे तो होता है वो लग्स। ये बीच वाला अलग है ना, पर इतनी छोटी तो भाभी गर्दन है ही नहीं। अरे हाय हाथों की है उन्हें। गाइस ये है पहाड़ी पौजी। पौजी सर ये तो किसी भी हाथ में आ जाएगी, कोई साइज बनाने जरूरत नहीं है ना। हाँ, मम्मी नहीं बैठेंगी तो। ओके अब मैं अनबॉक्स करता हूँ, मेरे लिए क्या है। चेन लाइट। ओह रखो रखो, देखा ना क्या अच्छा गोल्ड चेन। थैंक यू सासू मॉम। वैसे अभी मेरी सासू मान जब मेरे को दी हुई है, कहाँ गई? और ये मुझे जब से उन्होंने, मैं कभी कुछ नहीं पहनता, रिंग नहीं, ये नहीं। यार मुझे नहीं समझता एनिवर्सरी पर भी गिफ्ट मिलते हैं, देते हैं और इन सब ने इतने सारे दिए, इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट। दिखाना चेन तो दिखाओ, ये मैं पहन लेती हूँ ना। चलना अलग मेरी सासू मान दी, मैं पहनूंगा इसको। ओके तो अब ये भी मेरे गले में रहेगी। लग सा दो दो चेन नहीं पहनते एक साथ। किसने बोला है? मैं पहनू? ऐसा होता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो भाभी के लिए भी रख लो। लेकिन मेरे को ना वैसे ऐसा बोला है कि गोल्ड सूट नहीं करता, क्योंकि जैसे मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल रखता हूँ ना, जब गोल्ड ज्यादा पहन लेता हूँ तो मुझे गुस्सा फिर वो आने लगता है बाहर। हाँ तुम्हारे को सब पहन। हाँ ठीक है कोई नहीं, संभाल के रख लूंगा। ठीक है ये जिम्मेदारी मैं अपने तू के लिए खड़ा है, ला रहा है। चलो भाई ये अभी और दो, पहले मैं लास्ट में दूंगा। तुषार भाई लास्ट में तो मेरा है ना भाई। हां ला भाई, ला ला। थैंक यू तुषार। ओए ये असली है यार। हाँ, खुशबू भी आ रही है। अच्छा मुझे लगा वैसे है जो प्लास्टिक वाले आते हैं। अच्छा यार तुषार ने तोड़ के लाया, अकॉर्डिंग टू तुषार बाग में जाके तोड़ के लाया। थैंक यू भाई यार, दो दिन हम बाहर रहे हैं, यहीं सूख रहे थे। ये दोनों गिफ्ट दे दिया मेरे और सेंटी भाई के साथ। हाथ लगाओ ऐसे कैमरे में, क्या आज भैया भाभी को गिफ्ट दे दिया। बहुत अच्छे साबुन से नहाए, इसी से नहाता हूँ भाई मैं। बट यार अच्छा इन्होंने लिपस्टिक दी है और ये सोप दिया है और भी लखन के वो हैं फेस वॉश। भाई साबुन भी तो कितने लाए हैं, एक दो तीन, तीन तीन साबुन। अरे मेरे लिए कौन सा कलर का शेड ले आए हो? ठीक है हमको ऐसा नहीं पता, ये बताओ। ओह देख दो दीदी, तुम्हें कैसे पता यार? मुझे पिंक पसंद तो नहीं है, बट यार ये लिपस्टिक कैसे लिया है? कैसे लिया? पैसे दिए और आ गई। शेड मैंने बताया, अरे कुछ मैंने धोना था, वो शॉप वाले ने भी लगा के दिखाया था। इन लोगों ने बहुत सारा सामान है इसमें, बाद में देखूंगी। और सुन दीदी आप दिखाओ। ए कंजी तू कह रहे वो देना, अरे क्या है हमारी सीक्रेट बात चल रही है। इस पे कवर पे यहाँ तो लड़के दोनों छपरे हैं, लेकिन है सिर्फ नीतू के लिए। एक इंसान हो सकता मेरे लिए? हाँ। नहीं भैया, लेकिन इसको मैं ब्लॉग अलग बनाऊंगी, क्योंकि इसमें एक बहुत प्यारा सा नोट भी है जो दीजिए। ओए ये 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 मेरी है। हाँ हाँ पहन सकते हो आप ऐसे तो लड़के। दोनों इसके लिए, तू पागल है कुछ? ये वो टी शर्ट दीदी बहुत सुंदर है, दीदी ने गेस्ट की टी शर्ट दी है मुझे, तुम भी पहन लेना ना, ये तुम्हें तो आएगी नहीं, तुम मोटू हो ना थोड़े। दीदी बहुत सुंदर है। ये थे मेरे सोनी दीदी की तरफ से गिफ्ट, पूनम दीदी की तरफ से गिफ्ट, सैंडी की, मतलब सब ने, जितने भी यहाँ पर लोग हैं सब ने गिफ्ट दिए। बहुत मेरे को सच बताऊं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि एनिवर्सरी पर गिफ्ट दे दो। अभी आप ये गिफ्ट लेकर आए हो? और भैया पता है हमारे यहाँ पर रूल है, जो गिफ्ट लेकर आएगा यूज वही करेगा। अब एक मिर्च खानी है दादी। फीका मिर्च है खाने को तो खा सकता हूँ, तो प्याज तो रखी हुई होगी, प्याज खा लो। तो गाइस ने बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट मुझे, मेरे प्यारी टीम, मेरी फैमिली ने दिया है। सबसे अच्छा गिफ्ट पता मुझे कौन सा लगा इन सभी का? क्योंकि ये गिफ्ट नहीं है, ये प्यार है जो ये लोग मुझे डेली देते हैं, और यही प्यार चाहिए। गिफ्ट क्या है? गिफ्ट तो आता है जाता है, लेकिन जो प्यार है जैसा आया। भगवान मैं इसलिए अपना मुंह नहीं खोलती, मैं जब भी मुंह खोलती हूँ मैं उठपटांग चीजें बोलती हूँ, चुप रहना पसंद करती हूँ। और ये दोनों इस बात के गवाह हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बोलने नहीं देता, कहते बेटा तू चुप रहना चुप रहना। बट यार थैंक यू सो मच, आपको कैसा लगा हमारा गिफ्ट्स वाला व्लॉग कमेंट से बताना, और इसी तरह हमारे व्लॉग को बहुत यार लाइक कर दो। आप लोग भूल जाते हो भाई, अगला व्लॉग कभी आएगा 100 के लाइक हो जाएंगे। मेरा सुखवासी ले आया बेटा, ये लखन के लिए, लखन का गिफ्ट है वेडिंग एनिवर्सरी का, ये लो। थैंक यू। फोटो फ्रेम के लिए, वो भी लक्ष्मू के लिए, आपकी शादी हुई है, उसकी शादी हुई है। अबे ये क्या लाई, थान का कपड़ा है ये? थान का कपड़ा सूट लेंथ है ये, इसका तुम्हारा कोट बनेगा, बनवा दे। थैंक यू, ये तो गरम है लेकिन कैसा लग रहा है सही बताओ? थैंक यू यार, अच्छे लग रहे हो। ये तीन के, इसमें किसके? इसमें तुम्हारे, अलग अलग। एक मेरा है, एक पूरा। आप कोट पैंट पहनोगी? इसे मेरा, चारों मेरी है।
ले लिया है इसको रख दिया सिलवाना है अब सारे। तो ये था हमारा गिफ्ट्स का ब्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट से बताना। लाइक कर दो, अगर 1,00,000 लाइक नहीं आया तो कल का ब्लॉग नहीं आ रहा, ठीक है? सच्ची बता तुम अपने लोगों के बिना रह नहीं सकते। लगन को जितनी अटैचमेंट व्लॉग से है ना, व्लॉग के लोगों से है, मतलब मैं बता नहीं सकती। इतना प्यार मैंने ना इतना प्यार देखा नहीं इतना लखन को है कि मेरे सब्सक्राइबर को सब पता होना चाहिए, वो मेरी एक फैमिली है। क्योंकि लखन जब भी किसी से मिलता है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे लखन मिले होंगे, तो एक फैमिली की तरह हम लोग मिलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं कुछ बोल रही थी ना कैमरे में, मैं मेकअप कर रही थी। लखन कुछ नहीं दिया अपने, इन दोनों ने प्यार दिया है, अपना टाइम दिया है। ओके ओके, सो ओके गाइस बाय, कल मिलते हैं।